मेरे किसान भाइयों, आज हम थ्रिप्स और माइट्स नाम के ऐसे कीड़ों के बारे में और उनसे फसलों में होने वाले नुकसान के बारे में बताने जा रहे हैं और उसके उपाय को अपनाकर आप न सिर्फ अपनी फसल की रक्षा कर सकते हैं बल्कि अनुमान से ज्यादा पैदावार भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, थ्रिप्स प्रजाति के कीड़े और उनके लार्वा हमारे पौधों के तनों और पत्तियों को निशाना बनाते हैं, उसका पूरा रस चूस डालते हैं जिससे पत्तियों का विकास रुक जाता है, पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं और यदि आपके पौधों की पत्तियां मरी तो समझिए फसल भी बर्बाद हुई, क्योंकि पत्तियां ही तो पौधों के लिए भोजन का काम करती हैं। पौधों से पत्तियों के गिर जाने से या बीमार हो जाने से पौधे कमजोर पड़ने लगते हैं और ऐसे वक्त पर बहुत तरह के वायरस भी आपके पौधों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा दूसरे जो कीड़े होते हैं जिन्हें हम माइट यानी कि पतंगा कहते हैं, इनका भी यही कार्य है। ये तो मिर्च की खेती से लेकर कपास की खेती तक लगभग 200 प्रकार की फसलों पर हमला करके उन्हें बर्बाद कर देते हैं। माइट्स आम तौर पर पत्तियों के निचले हिस्से पर ही अपना ठिकाना बनाते हैं और इनकी वजह से पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। किसान भाइयों, इन कीड़ों की वजह से हमारे पौधों की पत्तियों का रंग काला पड़ने लगता है और हमारे फलों और फूलों को गंभीर बीमारियां अपने जाल में जकड़ने लगती हैं। और मान लीजिए यदि आपने कुछ कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करके अपनी फसल को इन कीड़ों से मुक्त भी कर लिया, तब भी आप राहत की सांस नहीं ले सकते, क्योंकि जब हमारी फसलों के फलने का दिन आता है यानी जब उसमें फल फूल लगने लगते हैं, तब ये कीड़े दोबारा फिर से उन पर हमला बोल देते हैं और इस बार सीधे फलों के अंदर घुसकर उसका पूरा रस चूसकर फल को सड़ा डालते हैं। इन कीड़ों के अलावा भी हमारे पौधों को एक और खतरा रहता है, वो है बदलते मौसम और वातावरण का, जिसकी वजह से हमारे पौधों का पूरा विकास नहीं हो पाता। पत्तियों में छेद हो जाते हैं, पत्तियां पीली या काली पड़ जाती हैं। देखा जाए तो हमारे फसल को बर्बाद करने वाले कई तरह के कीड़े पतंगे मौसम वातावरण हैं, लेकिन इन सब से बचाव का एक ही इलाज है। जी हाँ किसान भाइयों, इन सारी समस्याओं से बचाने के लिए माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग कंपनी आप सबके लिए लेकर आए हैं इंडिया ग्रो ट्रिप माइट। ट्रिप माइट जड़ी बूटियों से तैयार किया एक ऐसा रसायन जो थ्रिप और पतंगों के उपद्रव के कारण हमारे फसल के नुकसान पर विराम लगाता है और लंबे समय तक फसलों को कीड़ों से मुक्त रखता है, कीड़ों के लिए जहर का काम करता है। छिड़काव करते ही ये औषधि अपना असर दिखाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से कीड़े लकवा ग्रस्त होकर मरने लगते हैं और उनके लार्वा भी स्थिर हो जाते हैं। देश में तमाम तरह के रसायन उपलब्ध हैं, जिनमें कुछ खूबियों के साथ साथ खामियां भी हैं, लेकिन ट्रिप माइट एक ऐसा असरकारी जांचा परखा नंबर वन रसायन है जिसमें कोई खामी नहीं। ये 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। इसका जहर सिर्फ कीड़ों को नुकसान पहुंचाता है, हम इंसानों को और पशु पक्षियों को बिल्कुल नहीं, और इसका इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है। 1 लीटर पानी प्रति 2 मिलीलीटर या 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से एक पत्तेदार स्प्रे के रूप में कीड़ों के उपद्रव के शुरुआती चरणों में स्प्रे शुरू करें और एक पखवाड़े अंतराल पर फिर से दोहराएं और अपनी फसल की रक्षा करते हुए पैदावार को बढ़ाएं। तो किसान भाइयों, आज ही अपनाएं इंडिया ग्रो कंपनी का ट्रिप माइट।